हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरस्वती की रसोई। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राजस्थान के फेमस मिर्ची और आलू के पकोड़े की रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम बैटर तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने इस कप के मेज़रमेंट से 4 कप बेसन लिया है। उसके अंदर नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी सी हींग और थोड़ा सा जीरा डालकर हम थिक कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें बैटर तैयार करना है। इसमें हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे ताकि हमारा लम्प फ्री बैटर तैयार हो और बैटर की कंसिस्टेंसी भी बनी रहे। तरह से मिक्स करते हुए हम बैटर तैयार करेंगे। अब बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे, फिर इसे एक बार मिक्स करेंगे। अब बैटर बनकर तैयार है, इसे हम साइड में रख देंगे। अब हम मिर्ची को काट लेंगे। यहाँ पर मैंने पतली और लंबी वाली मिर्च ली है। इसके पीछे वाले पार्ट को हम हटा देंगे और इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इसके बीच में से बीज भी हटा लेंगे और इसे 2-2 पीसेस में काट लेंगे इस तरह से। अगर मिर्ची की साइज़ छोटी है तो इसे आपको 2 पार्ट्स में काटने की ज़रूरत नहीं है, लंबी भी रख सकते हैं। इस तरह से हम सारी मिर्ची को काट कर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सारी मिर्च को काट लिया है। अब इसके ऊपर हम नमक लगाएंगे। इस तरह से नमक स्प्रिंकल करेंगे ताकि मिर्ची की जो तीखापन है वो थोड़ा कम हो जाए। अब इसे भी हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम 2 मीडियम साइज़ के आलू लेंगे, उन्हें हम इस तरह से छील लेंगे। इसके बाद इसे धोकर पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से हम आलू की गोल गोल स्लाइस काट लेंगे। दोनों आलू की स्लाइस काटने के बाद इसके ऊपर भी हम नमक लगाकर 5 से 7 मिनट के लिए रख देंगे। अब हम हरे धनिए की चटनी तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बोल फ्रेश धनिया लिया है, उसे काट कर मैंने धोकर ले लिया है। यहाँ 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 1 मीडियम साइज़ की मिर्ची ली है। इसके अंदर हम नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, थोड़ी सी लाल मिर्च और आधे नींबू का रस डालकर हम चटनी को तैयार कर लेंगे। इस तरह से मिक्सी में हम इसे फाइन पीस लेंगे और चटनी को बनाकर रेडी कर लेंगे। चटनी बनकर तैयार है, इसे हम 1 बोल के अंदर निकाल लेंगे। अब हम 1 कढ़ाई के अंदर तेल को गर्म होने के लिए रख देंगे। बैटर के अंदर हम 2 चुटकी मीठा सोडा डालेंगे, इसे अच्छे से फैट लेंगे। तेल के गर्म होने के बाद बैटर के अंदर हम मिर्ची के कुछ पीसेस डालेंगे और उन्हें इस तरह से डिप करते हुए तेल के अंदर डाल देंगे और मीडियम आँच पर हमें इन्हें फ्राई करना है। तेल की क्वांटिटी के हिसाब से इसके अंदर हम मिर्ची के इन पीसेस को डालेंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि अंदर से बेसन अच्छे से सिक जाए। इन्हें उलटते पलटते हुए हम डीप फ्राई करेंगे। इनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। इनके फ्राई होने के बाद इन्हें हम 1 प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और बाद में हम इसी तरह आलू के भी पकोड़े तैयार करेंगे। अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें हम प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसके बाद हम आलू के भी स्लाइस को बैटर के अंदर डिप करके और इनसे भी हम इसी तरह से पकौड़े तैयार करेंगे। आ
आलू के ऊपर नमक लगाने से आलू के अंदर नमकीन फ्लेवर आता है। जब हम इससे पकौड़े बनाते हैं तो आलू के अंदर जो नमकीन फ्लेवर आता है उससे पकौड़े और भी टेस्टी बनते हैं, इसलिए आलू के ऊपर नमक ज़रूर लगाएं। भी हम उलटते पलटते हुए डीप फ्राई करेंगे। इन्हें भी डीप फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 3 से 4 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से फ्राई हो जाते हैं। अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इन्हें भी हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे। इसे हम गरम गरम सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करेंगे, इससे इसका स्वाद और भी कई गुना बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग सरस्वती की रसोई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही।